गाइस, स्वागत है आपका डार्क सेशन स्टूडियोज के एकदम नई वीडियो में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं द सिनेमैटिक एडिटिंग। जिस तरह एक वीडियो को सिनेमैटिक एडिट किया जाता है, उसी तरह हम एक फोटो को भी सिनेमैटिक एडिट देंगे। सॉरी दोस्तों, इस बार फेस ओवर नहीं हो पाएगा, एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी ये पिक है, और अब हम ऐसे सिनेमैटिक एडिट लुक देंगे, वो भी लाइट रूम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी पिक, और अब हम इसे लाइट रूम में इंपोर्ट कर ले हैं। तो ये रहा हमारा लाइट रूम, और अब हम इसे इंपोर्ट कर देते हैं लाइट रूम के अंदर। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि आप हमारी पिक लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। हम इसे लाइट रूम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारी पिक को ओपन करेंगे यहाँ से। अब दोस्तों, सबसे पहले हम टेम्परेचर पर जाएंगे, और ये रहा टेम्परेचर। अब हम यहाँ से एडिट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम मिक्स टूल पर जाएंगे पहले। अब रेड टोन की हम सैचुरेशन को -13 रहने देते हैं, 10 कर देते हैं। लुमिनेंस को थोड़ा +10 कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम ऑरेंज कलर पर आएंगे। ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को -10 कर देंगे, और लुमिनेंस को हम +4 या 6 कर देंगे। 4 ठीक है। अब हम येलो कलर पर आ गए हैं। येलो कलर की हम ह्यू को -80 कर देंगे। 86 सही लग रहा है, 86 रहने देते हैं हम इसे। अब सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे +8 तक। इसके बाद हम लुमिनेंस को नहीं छेड़ेंगे, ग्रीन पर आ गए हैं। ग्रीन के हम सैचुरेशन को ह्यू को -100 कर देंगे, और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अप्रोक्स 20 या 30 के आसपास। 30 सही लग रहा है, 28 सही लग रहा है। अब हम लुमिनेंस को माइनस कर रहे हैं। अब इसके बाद हम स्काई ब्लू कलर पर आते हैं। हम इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, हर पिक के हिसाब से अलग अलग आपको कलर एडिटिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब हम आएंगे यहाँ पर डार्क ब्लू के ऊपर। डार्क ब्लू के हम सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, +30 सही रहेगा। और अब हम आएंगे पर्पल कलर पर। तो पर्पल कलर की भी हम थोड़ी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अप्रोक्स 40 के आसपास। इसके बाद हम पिंक कलर पर आएंगे, और पिंक कलर का आने के बाद हम इसकी सैचुरेशन को पूरी तरह बढ़ा देंगे +100 तक। और तो यहाँ से अब हम इसे डन कर लेंगे। अब दोस्तों, अब हम जाएंगे ऊपर लाइट वाले ऑप्शन पर। लाइट वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे कर्व के ऊपर। तो ये कर्व, अब हम यहाँ पर एडिटिंग करेंगे। तो हम इसे वाइट के ऊपर लेके आ गए हैं। अब वाइट के ऊपर से हम इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे टॉप पॉइंट से। तो दोस्तों, इस कर्व को हमें इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये ना तो ज़्यादा डार्क हो, ना ही ज़्यादा लाइट हो। तो हमें इसे सिनेमैटिक लुक देना है। तो सिनेमैटिक दोस्तों समथिंग डार्केस्ट ही होता है अधिकतर। तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे रेड कलर के ऊपर। रेड कलर के ऊपर हम आने के बाद इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ताकि एक रेड कलर अपेयर हो जाए। अब हम आएंगे ग्रीन के ऊपर, अच्छी तरह सेट कर लेते हैं यहाँ से पहले रेड को। अब ठीक है, अब हम आएंगे ग्रीन के ऊपर। ग्रीन को दोस्तों हल्का सा डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का डाउन करेंगे, ताकि एक रेड कलर या फिल्टर टाइप का कुछ अपेयर हो जाए इस फोटो के साथ में। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा भी रेड नहीं करना है दोस्तों। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि अभी ये, और हमें ज़्यादा भी ग्रीन नहीं करना है इसे। तो जैसा कि अब ये सही लग रहा है थोड़ा सा, अब हम इसे यहीं से छोड़ देंगे। हम ब्लू के ऊपर आ जाएंगे। अब ब्लू के ऊपर आएंगे हम। ब्लू को हम थोड़ा सा अप करेंगे, ताकि इसकी फ़ोटो में थोड़ा सा
मैजिकल लुक आ जाए, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे। और फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी। हम इसे अब यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, हम इसे अब थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। हर फोटो के दोस्तों हिसाब से अलग अलग आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये हो गया डन। अब हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम थोड़ा सा शेडोज़ को इंक्रीज़ करेंगे +10 तक। अब हम वाइट को इंक्रीज़ कर देंगे +10 तक, और ब्लैक्स को भी इंक्रीज़ करेंगे +10 तक। दोस्तों इसके बाद थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ब्लैक्स को। अब आएंगे डिटेल्स पर दोस्तों, जो कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, हम डिटेल्स पर आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ इस पिक को, क्योंकि हर पिक के हिसाब से अलग अलग कलर ग्रेडिंग होगी। और अगर आप थोड़ा कर्व में गलती कर देते हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी बहुत गलतियाँ लग रही थी तो मैं इसे कम्प्लीटली एडजस्ट कर रहा हूँ, और अब मुझे सही लग रहा है। तो हम आएंगे डिटेल्स पर, हम शार्पिंग को एडजस्ट करेंगे हमारी फ़ोटो के हिसाब से, लाइक +10। अब इसकी डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे अराउंड 80 के आसपास, 76 सही लग रहा है। मास्किंग को थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग +10 तक, और नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे हम 20 कर देंगे, 15 सही लग रहा है। तो हम इसकी डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे 70 के आसपास। कलर नॉइज़ रिडक्शन को हम बढ़ाएंगे 13, और इसकी स्मूथनेस को कम कर देंगे अप्रोक्स 20 के आसपास। और अब हम इसकी डिटेल्स को भी इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा बहुत, +80 सही रहेगा बिल्कुल। तो दोस्तों हम यहाँ से हमारी पिक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और यहाँ से बिल्कुल सही लग रहा है। तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक लुक आ गया है इसमें। अब इसके बाद हम हमारी फ़ोटो को अब सेव कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये हमारी पिक बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों यही थी हमारी सिनेमैटिक एडिटिंग। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।